बुला बुला के बुला बुला के इन लोगों को अंदर से हिलते नहीं है कमरे से, यकीन माने दिन के 2 बज चुके हैं अब तो, अब जाके उठे हैं और निकलने लगे हैं इंशाल्लाह लाहौर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। आपने देखा ज़ुएब और हमजा जो है वो अब उठ गए थे आधे दोपहर को और तैयार हो चुके हैं और हमारा प्रोग्राम है अब निकलने का यहाँ से लाहौर को। जो सामान ज़रूरी हमें चाहिए अपने स्टोर के लिए वो हमें मिलेगा लाहौर से इजीली, क्योंकि हमें चाहिए ज़्यादा वैरायटी, खूबसूरत और मतलब जो गुड लुकिंग भी और पायदार भी, तो इसलिए हमें जो है वो लाहौर ही विज़िट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से अब निकल रहे हैं लाहौर के लिए, तो आप तैयार हो जहनी तौर पर? हाँ जी। जेब से क्या मतलब? जेब से अल्हम्दुलिल्लाह खाली, कोई कटा ना डाल रही। वाह, कितने बेफिक्र होकर जा रहे हैं ये सारे जो है वो अलविदा करने के लिए खड़े हैं यहाँ पे माशाल्लाह। सारे कहने से शुक्र है जान छुटन दी साडी। साइकिल मेरी हो गई थी पंचर और साइकिल में हवा फिलहाल आर्जी तौर पे पूरी करके जाके पंचर लगवाते हैं इसको। फिलहाल जो है वो हमें पंप ही अवेलेबल हुआ है तो हम निकल पड़े हैं इंशाल्लाह, वो भी अभी आ जाते हैं और फिर इनको रास्ते में हम मिलेंगे इंशाल्लाह। जल्दी आओ यार। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो गया सफ़र का, मौसम माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और जाना आ जाओ अपनी साइकिल लेके आ जाओ। साइकिल की और मेरी साइकिल दोनों की जो है हवा कम है और वो सामने आ रही पंचर वाली दुकान वहाँ से भरवाते हैं हवा और फिर निकलते हैं इंशाल्लाह अगले सफ़र पे। और उम्मीद है कि इसी तरह हवा भरवा भरवा के बिना पंचर लगाए लाहौर तक पहुँच जाए। चलो 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 हवा भरवा लें। और ज़ुहेब की साइकिल पे अब मैं ट्राई ले रहा हूँ, ये भी उसके हिसाब से प्रॉब्लम कर रही है लेकिन इस तरह का कोई मसला है नहीं है, हमें उसको डाउट हो रहा है। कल उसने ट्राई किया जब मैं हमजा की साइकिल, उसके थोड़ा गियर लीवर में जो है वो ये प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा टाइट है और ये ज़रा सॉफ्ट है, बस यही इशू आ रहा है। और हमारे रास्ते का आज ये पहला ब्रिज है और कितने ब्रिज आने वाले हैं, मेरे ख्याल में तकरीबन 2 ब्रिज हैं जो हमें लाहौर तक रास्ते में आएंगे नज़र। और ये किसी भी साइकिल पर जो बैठे हुए पहली दफ़ा की चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम और काफ़ी टफ जॉब है थोड़ा सा, काफ़ी ज़्यादा पैडल मारना पड़ता है, एक्सपीरियंस नहीं है। हमजा साहब तो चढ़ भी गए। ओ वाह, हमजा ने पहले भी तजर्बा किया हुआ है, मेरा ये पहली दफ़ा का है। पिंडी बाईपास से हम गुजर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और आगे जैसे जैसे जो जो चीज़ें आएंगी वो आपके साथ शेयर करते चलेंगे। सिर्फ थल्ले उतरना है तो फिर तो ठीक है। आज हवा का काफ़ी ज़्यादा शोर होने वाला है वीडियो में क्योंकि हवा काफ़ी चल रही है, हमें तो आसानी है साइकिल चलाने में लेकिन सुनने वालों के लिए जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उच्ची बोलो, उच्ची बोलो। जो है वो बारिश भी आ गई है, अभी तक हम मेट गुजरांवाला भी नहीं पहुँचे, गुजरांवाला मेन सिटी नहीं पहुँचे लेकिन बारिश की बूंदें जो है वो आना शुरू हो गई और मुझे लग रहा है कि जो हमारा आज का ट्रिप जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर बारिश तेज़ हो गई तो फिर आगे निकलने वाली कोई कहानी नहीं है क्योंकि डिवाइसेस वगैरह की सिक्योरिटी के लिए कोई भी उस तरह का सिस्टम नहीं है हमारे पास। आज बाइक वगैरह होती तो चलो एक बंदा बाइक पर लेके कहीं सेफ साइड कर लेता है लेकिन टीम माननी नहीं थी बाइक के लिए साथ लेके जाने में। और ये है हमारे रास्ते का आज दूसरा ब्रिज और हमारा दूसरा इम्तिहान। गुजरांवाला सिटी के सेंटर से ऑलमोस्ट गुजर रहे हैं, यानी कि जो बाज़ार है मेन उनके सेंटर से, और यहीं का डाउट था कि शायद बारिश होगी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश कहीं नहीं हुई अभी तक। हम तो खुश खुश के जा रहे हैं लेकिन रोड गीले हैं।
आज भी नहीं खाना खाया है ना? आज भी खाना नहीं खाया? आज भी खाना खाया तो चीज से आहार हो। अच्छा अच्छा, ठाठा भी नहीं है? ठाठा भी नहीं है? ठाठा जो ठाठा फाठा जो जन चलो और ठाठा पिलाते हैं आप। हाँ, अब पियेंगे हम ठाठा। अस्सलाम वालेकुम। ये लो सारी ठीक हो, जरा कड़ाकेदार आवाज बना के दो मुंडिया नु, मुंडिया नु पता लगे ठाठा किनू कहंदे ने। किन्ने किन्ने वाले ने? 40 वाले बनाओ। चलो मैं आ सुन लेना भाई। ये था ठाठा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या बात है, प्यास बुझा दी है अल्हम्दुलिल्लाह इसने। हमजा की सेब की साइकिल आज फिर गिर गई है। कल मेरे पे इल्ज़ाम लगाया था, आज खुद ही गिरा ली है। जेब बहुत अफसोस हुआ यार, आपकी साइकिल गिर गई। साहब भाई जिनके पास हम खड़े हैं, और माशाल्लाह कस्टमर्स जो हम आते जाते हैं। छोटा सा और बहुत ही रिफ्रेशिंग किस्म का एक जूस है जो हमने भी पिया। जेब कैसा लगा? मजा आया? मज़ेदार है। चलो पैसे दे दो भाई। समझ आ नहीं आया सही गल। मजा आया नहीं? नहीं नहीं भाई, पैसे ना मंगो के फिर कहेंगे मजा आया। ये साइकिल ही है कि हम इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी स्लो ट्रैवल जिसे कह लो आप, चाहे वो आप साइकिल पे चाहे आप पैदल करें, और मोटर बाइक या आप अगर गाड़ी वगैरह पे ट्रैवल करते हैं तो इस तरह की चीज़ें आप जो है यूँ समझ लें कि इग्नोर ही हैं आपकी नज़रों से। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये भी, गुजरांवाला की हदूद का ये सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला जो चौक है ये, और यूँ कह लें कि आखिरी चौक है गुजरांवाला का। चांदा किला भी कहते हैं इसे। चांदा किला? हाँ जी है चांदा किला। आओ, गोप्रो की मेरे की बैटरी लो हो गई है, और अब मैं जो बाकी की वीडियो होगी वो बनाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह मोबाइल पे, और इसे रखते हैं बैग में। एक तो है हाथ फ्री हो जाएगा, और दूसरा जो है वो वीडियो कैप्चरिंग में जो है वो आसानी हो जाएगी। हम अल्हम्दुलिल्लाह कामोगी के नज़दीक पहुँच चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट कामोगी पहुँच गए हैं। और जेब थक तो नहीं गए? थक तो नहीं गए? थकता बंदा जान रही है, लेकिन जज्बा होना चाहिए भाई जान, जज्बा। वो कहाँ से मिलता है? वो ही दे, चलो चलिए वापस। हमजा आपकी क्या कंडीशन है, थके तो नहीं? फ्रेश हो? चलो फिर कोई रैप सुनाओ। ये अस थक गए जाने जाने, ये तू चिड़ी बाबा। कामोगी से निकलते ही जो है वो एक जगह पे डंप किया हुआ कचरे का काफी सारा, बात रहे काम नहीं कर रहा, स्पीड में निकले। अब स्पीड मार रहे हैं, सही चाहिए। मैं यहाँ पे रुको तो फिर अब निकले आगे से, अब देखते हैं क्या करते हैं, पहुँचते हैं। 2000 गियर चेंज करने पड़ेंगे मुझे भी, मगर गियर चेंज करने के लिए एक दफ़ा स्पीड पकड़ना इसकी साइकिल की ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ज़्यादा ज़ोर लगता है। हमसे भूख तो नहीं लगी? भूख तो लग गई है। आपके पीछे क्या है? आपके पीछे क्या है? होटल में होटल में क्या लगा? अच्छा, पीछे तो ट्रक है। थलोड़ा
सबसे पहले हाथ मुंह धो ले, मिट्टी काफी ज्यादा पड़ी हुई है मुंह पे। कैसा जा रहा था सफर? सफर काफी मजेदार जा रहा है, लेकिन बस वो एक अलग बात है कि थकाने वाला है। कुछ तो साथ रहा हमारे आज बादलों का, क्योंकि बड़ा डर लग रहा था सुबह घर से निकलते हुए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और अचानक से बादल आए, तो हमने प्रोग्राम बनाया कि जल्दी जल्दी निकलते हैं। लेट तो हो गए थे थोड़ा, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का सफ़र ठीक चल रहा है। खाने के बाद इंशाल्लाह देखते हैं क्या सूरत बनती है। होटल का माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत सिस्टम है, कुछ देसी और कुछ अंग्रेजी टाइप का। भूख ज्यादा लगी तो चलते हैं आगे, कुछ और खा लेंगे। मैंने तो खाई है ना, अभी जाकर फिर खाऊंगा। भूखा थैंक्स। खाने में हमारे पास है देसी रोटी। शाही दाल चना, दाल मास और साथ में रायता। ये आज हमारा लंच है और सिर्फ 4 बजे लंच हमने कर दिया। ज़्यादा लेट तो नहीं हुई ना? लेट भी नहीं है ना सर। शुक्र ला तुझे लंच कराने, तुझे लंच तो जानते ना ऐसा कराने हो। हम तो मज़ा आया खाने का, भूख लगी हो तो मज़ा आता ही है। तो ऐप की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कहाँ पहुँचा है, क्यों पहुँचा है, किसने लेट है, किस वजह से लेट है, क्यों नहीं चला रहा साइकिल तेज। पर बंदा साथ क्यों लेता है? अरे सही सही मिस्ती करो, पानी से अब नीचे को कर रहा मिस्ती अपने। तो आप ऑर्डर दे दिए चाय का, आती है चाय तो इंशाल्लाह वो इंजॉय करते हैं। लेकिन खाना जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का था। बाई चांस ही होटल पे रुके, लेकिन जो ट्रैक होटल होते हैं उनकी ये बड़ी खास बात होती है कि उनका खाना जो होता है वो बहुत मज़ेदार होता है, और हमने भी खाना बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो तंदूर की रोटी जो है वो चाय के साथ खाने का बड़ा मज़ा आता है। हमेशा ही जब भी खाना खाता हूँ बाहर से, रोटी थोड़ी एक्स्ट्रा मंगवा के और जो बाद में चाय के साथ खाता हूँ। आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब आपको अच्छा लगता है आप तो कह रहे थे मजेदार नहीं लग रही, पता चला ये ट्रक होटल है, यहाँ पे चाय जो है वो हो और कुछ होना हो चाय जरूर मजे की मिलेगी। दुध पति न कह सकता तू, कुछ और खाना निकलते हैं अपने बाकी के सफर पे। टाइम थोड़ा और सफर लंबा है, मोटरसाइकिल गेयर बटा लगा कामों की जो हम समझ रहे थे, जो आपको बताया कि कामों की से गुजर रहे हैं, वो कामों की असल में नहीं था, कामों की थे। अब हम गुजरे हैं खाना खाने के बाद। खाना खाने से पहले हमें ये आइडिया था कि हम शायद कामों की गुजर चुके हैं। थोड़ा सा मुकाबला लगा था इसमें। ये गाड़ियाँ देखे एग्रीकल्चर व्हीकल, एक मज़ेदार जी तो सुनाओ यार आज। तो यहाँ पे माशाल्लाह मिले हैं हमें एक मौसीकार, Thank you.
जेब असल कामों की ये है, ये अब भाई ये कामों की, पहले जो हमने देखा था वो कामों की नहीं थी यार। मैं तो बजा बोलूंगा तो आदमी कोई जान ना सह करो। नहीं नहीं ये कामों की अब हमें पता लग गया कामों। दो दफा गलती हो गई है। लो लो यार रे क्यों अभी लो लो यार रे क्यों मैं तो आज पता लग गया लो ने किसी रह गया। तो ये कामों की आ गया अब अल्हम्दुलिल्लाह। हमदा क्या हुआ थक गए हो? अपने बारे में भी दसो ना। हट गया तू कुछ ज्यादा गया था कि अपने दादा ने बता दे बच्चा। हां था कि नहीं समझ जाओ। मैं तो थक गया हूँ, इनसे पूछ पूछ के आसरा लेता हूँ कि शायद इनमें से भी कोई थका है मेरी तरह तो हौसला हो जाता है। नहीं मैं थक गया। तो जेब जो है वो काफी थक गया था, बहाने बना रहा कभी हवा भरवा लो साइकिल में, कभी पानी पी लो, कभी कोई चीज कर लो, कभी कोई चीज कर लो। हमजा तो नहीं थकता ना, हमजा सिगरेट नहीं पीता। अस्सलाम वालेकुम, की नाम है छोटे तेरा? नाम की तेरा? अदील। सही हो गया, पानी शानी ठंडा मिलेगा? ये लो भाई पानी। पिज्जा यार। काफी थक गए यार। आज हर चीज का मजा आएगा। और आज पबजी भी नहीं खेलेगा सेब। पबजी तो ना ना देओ मेरे खेले खेले बल्कि सोचेगा भी नहीं जी भाई। पबजी नहीं खेलनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ इस मौसम में किसी भी मौसम में। आज के दिन खास तौर पे। और बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे कबड्डी माशाल्लाह। एक देसी गेम है और बड़े शौक से बच्चे जो है वो फुली तौर पे वो क्या कहते हैं उसे किट में खेल रहे हैं माशाल्लाह। चल चल पापा कोड़ी पा। पॉइंट दे छड़ा से उन्हें यार। और नहीं नहीं सट लग जाएगी बस ठीक हो गया, पॉइंट हो गया तेरा। चलो जी अगले अगली कोडी आ गई। बस बस कांड लग गई कांड लग गई ठीक हो गया। आपस ही लड़ने लग गए यार। ट्रेडिशनल गेम है मोबाइल और दूसरी गेमों से गेमों में टाइम ज़ाया करने से बेहतर है इस तरह की खेलें। और मतलब एक तो सेहत अफजा भी है और दूसरा अपने ट्रेडिशन के हिसाब से बड़ी मतलब पंजाब के इलाके की एक फेवरेट गेम समझी जाती है कबड्डी। वही बच्चे खेल रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गुजरावाला से यहाँ तक जो है वो साइकिल हमें उठा के लाई है। अब मेरा प्रोग्राम है कि हम साइकिल को उठा के लेके चलते हैं गुजरावाला तक, साइकिल का एहसान उतार देंगे हम। सॉरी लाहौर ही जाना, हमने वापस गुजरावाला नहीं जाना। टाइम जो है वो सूरज ग्रूब होने का हो गया और हम पैदल ऐसे जा रहे हैं जैसे पता नहीं कितना टाइम हमारे पास बाकी है। अभी तकरीबन यहाँ से 23 किलोमीटर से ज़्यादा बाकी है और एंजॉय कर रहे हैं हम पैदल जाते हुए। चलो टाइम चल टाइम जी दोबारा जिंदगी से मौका है नहीं लपना कभी, नो डाउट। तो इस तरह का इंजॉयमेंट, इस तरह की इंजॉयमेंट जो है वो बाकी काबिल दीद रहती है, हमें याद रहेगा इंशाल्लाह ये सफ़र और आपको भी। हमजा ने बड़ी मुश्किल से एक रैप सुना ही दिया आज हमें पूरे रास्ते। बल 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 तुम्हें बड़ा बड़ा चौबल। सूरज ग्रूब होने का बहुत ही खूबसूरत मंजर यहाँ से दिखने को नजर आ रहा है। अंदर खूबसूरत सी शक्ल के बादल नजर आ रहे हैं सेंटर में।
जेब और हमजा लोग आगे चले गए। थकावट आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इतना सोचा नहीं था कि इतनी हो जाएगी। शायद कल जो है फर्स्ट डे था साइकिल चलाने का, इतना फील नहीं हुआ, लेकिन आज जो है वो थकावट फील हो रही है। अभी तकरीबन हम जो है वो आ चुके हैं यहाँ तक 70 किलोमीटर के नज़दीक, और 20-22 किलोमीटर अभी बाकी थी। हमजा, मगरिब की अजान भी हो गई है और वो कामों की भी आ गया, देख लो। ये नहीं आया। तो बस बस व्यर्थ कामों की आ गया है, हौसले हमारे जवान हैं, चला हम जरूर लाहौर पहुँचेंगे। बस बस आप दुआ करें कि दो सात दिन में दो और आ जाए। फिलहाल बस कामों की आ गया है। कहीं भी रेस्ट करने के बाद ये एक बड़ी अच्छी ट्रिक मिल गई है हमें कि थोड़ा सा पैदल चल लें तो टांगे उस तरह से थकती नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा बैठते हैं जब टांगे काम करने के बाद तो काफ़ी सारे फूल होते हैं मसल, तो अचानक से अगर दोबारा हम चलाना शुरू कर देंगे साइकिल तो ज़्यादा टांगे लगेंगे, इसलिए हम हल्का सा पैदल चलने के बाद दोबारा जो है वो साइकिल चलाते हैं तो इतना ज़्यादा थकावट नहीं होती है। वैसे तो साइकिल्स को इश्यू नहीं था यहाँ पे, साइकिल हमने यहाँ पे खड़ी करनी है और बाकी जो शहर घूमना है वो हम घूमेंगे लोकल ट्रांसपोर्ट पे, यहाँ तक कि जो हमारी एक वो क्या कहते थे पहला एक वो क्या संगे मील है वो पूरा हो गया ट्रैवल का, गुजरांवाला से लाहौर तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह राइड मुकम्मल कर ली है। और यहाँ हमारे कज़न थे इजाज़ भाई जिनके पास हमने अपनी साइकिल जो है वो खड़ी की है, क्योंकि हमें आगे घूमना है लोकल और साइकिल को हर जगह पे साथ लेके जाना जो है थोड़ा सा मुश्किल है। और अब हम जा रहे हैं इंशाल्लाह जहाँ पे स्टे करना है होटल पे, वहाँ होटल ढूंढने के लिए, क्योंकि हमें जो है वो रेजिडेंस इस तरह की चाहिए जहाँ पे जो है वो जल्द अज़ जल्द हम सुबह मार्केट को जो है वो कैप्चर कर सकें। वैसे तो लाहौर की मार्केट लेट खुलती है लेकिन हम अपना टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे और जितनी जल्दी हो सके वहाँ मार्केट को कवर करने के बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल ही वापस निकलने की। इतने गेट हो गए नहीं, इंशाल्लाह कल हमारी कोशिश होगी कि निकल जाए। वो सामने देखो क्या है, वो सामने देखो क्या है, मुंडा नहीं और रावी का पुल है, वो क्या है, कामों की आ गया। आ गया कामों की, आ गया कामों की, ऊपर थोड़ा लाख करोड़ तर बात कर पाऊं कामों की। ज़ेब का प्रोग्राम था कि हम वो लेके आएंगे साथ में अपनी बाइसिकल भी और होटल भी रख लेंगे, तो जितना हम जो है वो थक गए ना गुजर वाला से आते हुए यहाँ तक तो इतना हम साइकिल चलाते चलाते भी थक जाते हैं, अगर रूम में ऑप्शन मिल भी जाता रखने का। सही हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रूम फाइनल हो गया। यहाँ पे रेंट काफ़ी ज़्यादा है यार, मतलब उस एरिया में नॉर्दर्न एरिया से रेंट ज़्यादा है, क्यों से नॉर्दर्न एरिया से रेंट यहाँ पे ज़्यादा है, इसी लग वहाँ पे एसी की ज़रूरत नहीं होती। क्या नाम है ब्रदर आपका? जाहिद। जाहिद भी कब से हो यहाँ पे यार? एक महीना सिर्फ। क्या बात, लाहौर घूमे हो कुछ के अभी तक हमारी तरह? पहली दफ़ा। अच्छा जी, तो यहाँ से कैमरा मार्केट जो है वो कितनी दूर है? शालमी वाली साइड, 20-25 मिनट लग जाते। ज़ेब बैठो, नहीं एक मिनट, ये सारे दराज चेक करो, इनमें से देखो एसी वाला रिमोट कहाँ है। ये जो है ना एसी के पैसे दिए हुए हैं तो एसी 16 पे चलाएंगे हम। चलो रूम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, एसी का रिमोट हमें नहीं मिला और वो बाहर से मंगवाना पड़ेगा, उससे चेक कर लो यार, चेक कर लो यार, वो चेक तो कर लो।
बात ये है जो मैं आपसे करना चाह रहा था वो ये कि ट्रैवल करने के बहुत से तरीकेकार हैं, बस में, लोकल गाड़ी वगैरह में या किसी भी मोटरबाइक पे, लेकिन जो ट्रैवल का मजा आज हमें बाइसिकल पे आया, बेशक थकावट हुई है इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही ज्यादा थकाने वाला सफर था ये हमारा पहली दफा का इतना लंबा ट्रैवल था लगातार, तो इसमें हम काफी ज्यादा थके हैं, लेकिन जितनी एंजॉयमेंट इसमें थी उतनी किसी और सब ट्रैवल में नहीं होती। मोटरसाइकिल से इको मोटरसाइकिल से गड्डी जैसे भी होंगे इको स्पीड जो ना सीधा थे ना ही नाराज की चीजें रास्ते में जो चीजें आपने देखी वो हमें भी देखने को नहीं मिलनी थी, बस सीधा थे आगे गल मुक जानी। हम अभी आए हैं राज जरा हर चीजें खाते आए हैं, ठाठा पीता है, फिर बहुत सी चीजें नई, बहुत सी चीजें पुरानी, और बहुत से लोग और दोस्त और चीजें देखने को जो हमें मिली है वो सब हम कैप्चर भी नहीं कर पाए क्योंकि इंसिडेंट इस तरह सडन होते थे। राज ने सीओं थे कपाए रिक्शा वाला जान दिया ते देख के सानू इशारे कराए जोर दी मारो पैडल पैडल मारा वो जान के रखियो तो भाई पैडल मार जान के तंग करे असी इग्नोर किया, फिर जरा सवारी लाण असी गानांगे फिर पिछड़ा लिया फिर जान के तंग करे फिर असी नसा लाइया असी नसाइया उन्हें ट्रैफिक च आखिर मट्टी तेज करनी ना बार बार असी नसा के शुरू कर दे गए फिर बाद थोड़े चिर बाद फिर नहीं कर देंगे पैर मार दे। बहुत इंजॉय किया हमने ट्रैवल और उम्मीद करते हैं अद्धे लोगों ने शाबाश भी दी जिंदे रहो। एग्जैक्टली बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया और जो सबसे बड़ी बात थी कोई शक नहीं है इसमें कि डर लगता है निकलते हुए हर एक इंसान को चाहे वो मेल है या फीमेल है, जो रिस्पेक्ट है उसकी उसका एक डर होता है इंसान को कि कोई इसके साथ हादसा ना हो जाए, तो जो हादसा होता है वो माली के साथ साथ रिस्पेक्ट का भी नुकसान का सबब बनता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम रहा है हमें कोई भी ज़रा भी इस तरह का इंसिडेंट देखने को नहीं मिला। हालांकि 7 बजे दिन गुरूब होता और हम यहाँ पे पहुंचे हैं 9 बजे, यानी 2 घंटे हमने ट्रैवल किया है अंधेरे में साइकिलों पे विदाउट अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी अब मतलब थोड़ा ट्रैवल रिक्शे में किया वो बात है, तो अल्लाह का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत सेफ जगह है, किसी भी किस्म का कोई भी यहाँ पे देखने और सुनने और मतलब इस तरह का इंसिडेंट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये तुसी आप ही जान के पंगे लेने तो वो सारी लब जानेंगे। इसी के साथ हमें यहाँ पर इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो दोस्त चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर आप तक पहुंचे, और बेल पे वो एक बटन होता है लाइक वाला मतलब वीडियो के एंड पे आता है, इससे पहले मैंने आपको शायद हाईलाइट नहीं करवाया लेकिन आज करवा रहा हूँ, उस पर जरूर क्लिक कर मतलब वीडियो के एंड में वीडियो के नीचे आता है। अल्लाह हाफिज़।